रूरल डिवेलपमेंट पैराडाइम द डिवेलपमेंट पैराडाइम हमने पहले जिक्र किया सोशलॉजी में जो तीन मेजर पैराडाइम्स थे उनको हमने डिस्कस किया कि वो सोसाइटी को किस तरह देखते थे और किस तरह आ, आ, उसको इंटरप्रेट करते हैं तो डिवेलपमेंट पैराडाइम डिवेलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसप्रोप्रोशनेट ग्रोथ ऑफ सिस्टम इन इकोनॉमिक्स डिवेलपमेंट इज अ multidimensional process that generates economic technological social and institutional change to support wealth of nation and comprehensive well-being of the people in society economic development is a process that generate economic social and technical progress of the nation the fundamental elements of development in society are uh, the improvement of health, the growth of wealth, the creation of uh, new knowledge and technology. economic development is fostered in appropriate social system with high democracy and culture. good economics governance, efficient higher education system and high इनोवेटिव आउटपुट्स इकोनॉमिज्म जब हम डेवलपमेंट पैराडाइम की बात करते हैं तो इकोनॉमिज्म इज अ पैराडाइम ऑफ मोर और लेस इन विच इंडिविजुअल विद डिफरेंट इनकम कैन चेंज देअर पोजीशन गिवन इक्वालिटी इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कि जब किसी इंडिविजुअल को इक्वल इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं तो वो इंडिविजुअल जब अपनी इकनॉमिक पोजिशन इकनॉमिक सिचुएशन में चेंज लाता है तो उसको हम uh, जो इकोनॉमिज़्म पैराडाइम है वो इसकी बात करते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ इकोनॉमिज्म पैराडाइम ऑफ द डिवेलपमेंट पैराडाइम इकनॉमिक फ्रीडम इज असेंशल टू अ प्रो ग्रोथ regime and economic growth becomes the political priority human development or the human development approach is about expanding the richness of human life rather than simply the richness of economy which human beings live it is an approach that focused on people एंड देयर अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसिस सोशल डिवेलपमेंट पैराडाइम जबकि बात हम डिवेलपमेंट पैराडाइम की जब कर रहे हैं तो उसमें सोशल पैराडाइम सोशल डिवेलपमेंट पैराडाइम और इकोनॉमिक डिवेलपमेंट पैराडाइम दोनों के मर्जर को ही हम डिवेलपमेंट पैराडाइम कहेंगे सोशल डिवेलपमेंट इज कंसेपचुलाइज्ड एज अ पोस्ट मटीरियल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन that seek to build identities of people communities and nation as a field and strategy of social reconstruction it employs different models and modalities of social practice that suits varied situational ideological imperatives in a given environment paradigm shift फ्राम इकनॉमिक डिवेलपमेंट टू सोशल डिवेलपमेंट अब पैराडाइम शिफ्ट उस चीज़ को कहते हैं कि जब हम एक व्यू पॉइंट होता है सोसाइटी को देखने का उस व्यू पॉइंट में जब वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है तो वो एक दूसरा व्यू पॉइंट जब इमर्ज किया जाता है तो उसको हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं कि ये पैराडाइम यहाँ से शिफ्ट हो के अब सोसाइटी को देखने का व्यू पॉइंट बदल के ये हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द विद्योग्राफिकल एरिया विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद द मॉडर्नाइजेशन विद द ग्लोबलाइजेशन तो सोशल डेवलपमेंट इज अबाउट इंप्रूविंग द वेलबींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी सो दे कैन रीच देयर फुल पोटेंशियल द सक्सेस ऑफ सोसाइटी इज लिंक्ड टू दैलबींग ऑफ ईच एंड

सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो गई उसमें सोशल वेलबींग well भी आ गई उसमें इकोनॉमिक वेलबींग well भी आ गई पोलिटिकल रिलीजियस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हैं, वो सारी उसमें आ गई तो सोशल डेवलपमेंट को हम ओवरऑल कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन पीपल देयर फैमिलीज विल आल्सो डू वेल एंड द होल ऑफ द सोसाइटी विल बेनिफिट तो इस ओवरऑल द डेवलपमेंट प्रोसेस से ना सिर्फ इंडिविजुअल की रूरल डेवलपमेंट है ना सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट है बल्कि ये एज अ होल फैमिली की डेवलपमेंट और एज अ होल सोसाइटी की डेवलपमेंट